हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज अभी मिशन इम्पॉसिबल 7 की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं। अब इस फिल्म का एक स्टंट सीन लीक हुआ है। सोशल मीडिया पर इसे खूब देखा जा रहा है। इसमें टॉम क्रूज ट्रेन पर स्टंट सीन फिल्मा रहे हैं। इस दौरान टॉम क्रूज ने वहां मौजूद फैंस की तरफ इशारा भी किया है। बता दें, हाल ही में इसी फिल्म के लिए टॉम क्रूज का बाइक स्टंट भी काफी वायरल हुआ था। रविवार को वायरल हुए वीडियो में टॉम क्रूज फिल्म के निर्देशक क्रिस्टोफर मैकवेरी के साथ एक ट्रेन की छत पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक फैन ने ये सीन अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। स्टंट देखकर उसके मुंह से निकल गया, ओ माय गॉड। बता दें कि टॉम क्रूज और उनकी टीम ने मिशन इम्पॉसिबल 7 की शूटिंग पिछले महीने ही शुरू की है और यह सोशल मीडिया पर छा गई है। शूटिंग फिर से शुरू होने के बाद एक बाइक स्टंट काफी वायरल हुआ, जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। एक जूम आउट वीडियो में हमने अभिनेता को एक पहाड़ के किनारे पर रेसिंग प्लांक पर बाइक की सवारी करते हुए देखा। यही नहीं है, टॉम क्रूज ने बाइक को मुश्किल रास्तों पर भी चलाया है और बाइक से चट्टान से कूदता है और पैराशूट मिड एयर को खोलता है। टॉम क्रूज के कई फैंस ये नहीं जानते होंगे कि पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता था। उन्हें डिलेक्सिया नाम की एक बीमारी थी। इसकी वजह से उन्हें कुछ भी समझने और पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें होती थीं। इन्हीं दिक्कतों की वजह से टॉम ने एक और दो नहीं बल्कि 15 स्कूल बदले थे। स्कूल के समय टॉम हॉकी के अच्छे प्लेयर रहे हैं। उसके बाद फुटबॉल में भी उन्होंने अपना दमखम दिखाया, लेकिन एक मैच से पहले बियर पीते पकड़े जाने के बाद उन्हें टीम से निकाल दिया गया। बचपन में तो पढ़ाई के दौरान उन्होंने चर्च के प्रीस्ट बनने का भी फैसला किया था, हालांकि एक साल बाद वे वहां से भी निकल गए। टॉम क्रूज टूट चुके थे। टॉम के एक टीचर ने उन्हें प्रेरित किया कि वे एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर लें। टीचर की सलाह पर टॉम ने एक्टिंग ट्रेनिंग शुरू कर दी और उन्होंने पाया कि स्टेज पर वो अच्छा महसूस करते हैं। हालांकि इस दौरान टॉम को अपने लाइनें याद करने में काफ़ी परेशानियां होती थीं, लेकिन विजुअल लर्निंग के जरिए उन्होंने अपनी इस समस्या को भी खत्म कर ही लिया। टॉम ने एक्टिंग सीखकर रोल के ऑडिशन देने शुरू किए, लेकिन कई दिनों तक उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। टॉम क्रूज ने एक्टिंग सीखकर रोल के ऑडिशन देने शुरू किए लेकिन कई दिनों तक उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी टॉम ने अब हार नहीं मानी और वे डटे रहे। कुछ छोटे मोटे रोल के बाद सन 1983 में उनकी फिल्म रिस्की बिजनेस आई। टॉम की ये फिल्म हिट हो गई और यहीं से टॉम क्रूज का स्टारडम शुरू हो गया। आज टॉम हॉलीवुड के दिग्गजों में जाने जाते हैं और सालाना 325 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करते हैं। टॉम क्रूज की नेटवर्थ की बात करें तो उनकी नेटवर्थ 3,575 करोड़ रुपए से अधिक है। टॉम क्रूज की फिल्मों ने दुनिया भर में 84,500 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है। रिपोर्ट वीडियो डेस्क न्यूज़ ट्रैक.com।